और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे चीफ गेस्ट श्री एस रविंद्रन, आईपीएस आईजी सीआरपीएफ वेस्ट बंगाल सेक्टर से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मैं जानता हूं आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं इस प्रोग्राम देखने का और सुनने का, तो मैं एक मिनट से कम ही समय लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक जागरण परिवार को और अन्य स्पॉन्सरर्स को, जो मेरे जवान, मेरे पदाधिकारी 24 घंटे 365 दिन देश की सुरक्षा के लिए अपने परिवार से दूर रह करके अपना बलिदान भी दे रहे हैं और कर्तव्य भी निभा रहे हैं, उनके लिए आप एक शाम ये ऑर्गेनाइज किए हैं, उसके लिए आप दैनिक जागरण परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है, मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक वर्दीधारी, इसलिए वर्दीधारी एक शख्स ऐसा है जो चाहे धूप भी हो, तूफान भी आ जाए, सुनामी आ जाए, जितना बरसात आ जाए, जितना भी लू पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी पर्व हो जाए, हम लोग शिफ्ट बना के काम नहीं करते हैं। बाकी सब नौकरी में जो भी नौकरी कर रहे हैं, चाहे बैंकर हो या पत्रकार महोदय हो या डॉक्टर हो, कोई भी हो, सबका अपना शिफ्ट बांधा हुआ है 8 घंटा या जो भी घंटा हो। भैया हम 24 घंटा ड्यूटी करने वाले हैं हमेशा, और इस देश की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। यदि मेरे जवान बॉर्डर पर और देश की कोने कोने पर, चाहे उग्रवादी से लड़े या आतंकवादी से लड़े, यदि वो वहां खड़े नहीं रहता, आपकी बच्चे स्कूल सुरक्षित नहीं पहुंच सकता है, आपकी परिवार निश्चिंत होकर के वो कोई भी त्यौहार पर्व मना नहीं सकता है। मेरे जवान कोई पर्व नहीं मनाता अपने फैमिली के साथ, ना कोई अपने बच्चे का बर्थडे पर शामिल नहीं हो पाता है, ना अपनी बीवी के साथ वेडिंग एनिवर्सरी नहीं मना पाते हैं। सब कुछ आज की तारीख में व्हाट्सएप में हो रही है मेरे जवान को अपने परिवार के संबंध। तो इसलिए मैं बड़ा गर्व से बोलना चाहता हूं, यदि इस देश के लिए, यदि हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा बलिदान यदि कोई बल देते हैं, वो आंकड़ा भी आप देख सकते हैं, मैं एक भी शब्द झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल करके देख सकते हैं, एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देख लीजिए। हमारे देश में देश की सुरक्षा के लिए यदि कोई बल सबसे ज्यादा बलिदान दिया हो तो मेरा सीआरपीएफ है, और हम डटे रहेंगे आपके लिए हमेशा, इस देश के लिए। धन्यवाद। Thank you so much, sir.